हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फटाफट से इंस्टेंट बन जाने वाली पाव भाजी, जिसे हम बहुत ही फटाफट से बना लेंगे। एक कुकर में ही हम सारी भाजी बनाकर अपनी तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सारी सब्जियों को हमें छोटा छोटा काट कर रख लेना है। इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस में काट कर सारी सब्जियों को रख लें। आज हम कुकर में बनाने वाले हैं भाजी। एक ही बार में सारी सब्जियों को हम कुकर में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसानी से बनता है। फूल गोभी को मैंने अच्छे से दो बार धोकर इसको बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है, साथ साथ यहाँ पर हमने थोड़ा सा शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च को काट कर लिया है, और ये पत्ता गोभी है। एक कप के अराउंड पत्ता गोभी हमने अच्छे से काट कर धोकर ले लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बीट का डालेंगे, बीट का एक चौथाई टुकड़ा है। इससे पाव भाजी का कलर जो है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल आता है। कई लोग कलर यूज़ करते हैं, मगर मेरा ये कहना है कि कलर से अच्छा आप बीट को यूज़ कर लें। ये मैंने मटर थोड़ा छील कर रखा है, गाजर है, ये पूरा एक गाजर है, इसको हमने अच्छे से काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज पत्ती है, वो हम इसमें डाल देंगे। सारी सब्जियां हम एक बार में ही कुकर में डालकर आज बनाने वाले हैं बहुत ही आसान सी पाव भाजी। कई लोगों को लगता है पाव भाजी बनाना घंटों का सफ़र, मगर इस मेथड से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ये जो हमने मटर छील कर रखे हैं, वो मटर भी हम इसमें डाल देंगे। एक कप के अराउंड मटर है, छोटा कप के अराउंड। यहाँ पर मैंने एक प्याज काटा हुआ है, क्योंकि हमने प्याज पत्ती डाला है तो प्याज हमने एक ही लिया है। यहाँ पर आपको दो से तीन आलू ले लेना है, ये लगभग तीन आलू है, छोटा बड़ा है तो दो ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हम डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट भाजी का, जो कि है टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने चार टमाटर को काटा है, आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। सारी सब्जियों को इस तरह से हमें बारीक बारीक काट कर डाल देना है। अब यहाँ पर एक छोटा ग्लास लिया है मैंने, इस ग्लास से हम एक ग्लास पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालना है जिससे कि हमारी जो सब्जी है वो जले नहीं और अच्छे से पक जाए। अब इसको हमें ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 6 सीटी इसमें ले लेना है। देखिए इस तरह से हम बंद करेंगे और अब इसको हम गैस पे रख देंगे। इस तरह से अगर आप पाव भाजी बनाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। घंटों का काम हम मिनटों में ख़त्म कर लेते हैं। देखिए जब ये सीटी लग गया, उसके बाद हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार किए, उसके बाद हम खोल के देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये हमारा सारा सब्जी पक कर तैयार हो गया है। अब हमें पाव भाजी मैशर लेना है और अच्छे से हमें सब्जियों को मैश कर लेना है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सब्जी हमारी मैश हो जा रही है। 2 से 3 मिनट तक लगातार जब हम इस तरह से मैश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये मिक्स होकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल घंटों का काम हमने मिनटों में कर लिया है और सारी सब्जियां एक बराबर मैश हो गई है। नहीं तो पहले क्या, हम एक एक सब्जी को अलग से डालकर मैश करते थे, बॉयल करते थे। अब यहाँ पर हमें एक कढ़ाई लेना है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल का। ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, ये मैं घर पर पीस कर रेडी रखती हूँ, बस जब भी कुछ बनाना हो तो उसमें डाल देते हैं। ये यहाँ पर हम 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। इसके बाद जो हमने ये सब्जी को मैश करके रखा है वो सब हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप देखिए कितना अच्छा बन रहा है। अब हम उसी कुकर से जिसमें हमने पकाया है, 1 कप पानी अच्छे से धोकर 1 से 1.5 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, तो उस तरह से हमारा काम शॉर्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, हल्दी पाउडर हमें डालना है, नमक डालना है स्वाद अनुसार, जिस तरह का आप नमक खाना पसंद करते हैं वैसा डालें। यहाँ पर थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे, आज मैंने नॉर्मल लाल मिर्च डाली है, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो डालें। पाव भाजी मसाला मैंने डाला है अच्छे से 2 टेबलस्पून भरकर। अब इन सब को डालकर हमें वापस अच्छे से पाव भाजी मैशर से मैश एक बार और कर लेना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अंदर तक मिक्स हो जाएं, सब्जियों में मसाले की खुशबू और कलर सब चढ़ जाए। इस तरह से देखिए हमें इसको मिक्स करके बना लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारा भाजी का आकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे 2-3 मिनट पकाना है। देखिए
पकते पकते 4 से 5 मिनट हो गया, रेडी हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, मगर बटर डालने से पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बटर डालने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स करके चला लें और उसके बाद आप गैस बंद कर दें और गरम गरम आप भाजी को सर्व करें पाव के साथ। यहाँ पर हमने 2 पाव ले लिया है, इसको हम नॉर्मल घी के साथ सेक लेंगे पाव को, और इस तरह से देखें हमें सेक कर फटाफट मिनटों में हमारा पाव भाजी रेडी हो जाएगा। उलटते पलटते हुए आपको पाव को सेकना है। तब तक फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी जो नई रेसिपीज़, वीडियोस, ट्रिक्स डालूँ वो सब आपको मिलती रहे। और अब ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हमारा पाव भाजी रेडी हो गया है। भाजी पर हमने थोड़ा सा बटर और गार्निश किया है और बहुत ही शानदार पाव भाजी बनकर मिनटों में तैयार है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। सी यू सून।